बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं ज़ैन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्सेल में ट्रांसपोज का जो एक ऑप्शन है उसको किस लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने तीन कॉलम्स में कुछ डाटा लिया हुआ है। ये नंबर वन कॉलम में सीरियल नंबर्स हैं, नंबर टू कॉलम में मंथ है और नंबर थ्री कॉलम में इनकम है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये डाटा पेस्ट हो जाए। अगर हम नॉर्मली से पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, तो जिस तरह ये डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम ऐसे ही पोस्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जी से बैक करता हूँ, दोबारा इसको कंट्रोल सी से हम कर लेते हैं कॉपी। कंट्रोल सी से आपने करना है कॉपी, इधर जाना है और इसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रांसपोज का। जैसे ही आप ट्रांसपोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें, जो हमारे पास रोज में डाटा था वो अब कॉलम्स में हो गया है। 1, 2, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च और इनकम्स जो थी वो पहले रोज में थी, अब वही जो डाटा है हमारे पास कॉलम्स में आ गया है। तो ट्रांसपोज के ऑप्शन की मदद से हम जो डाटा रोज में दिया गया होता है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 2007 वर्जन यूज़ नहीं कर रहे इस सॉफ्टवेयर का, ऑफिस का 2003 कर रहे हैं यूज़, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर ये पेस्ट वाला ऑप्शन ना हो। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जाने के बाद आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो फिर भी ये ट्रांसपोज के फंक्शन की मदद से जो रोज में डाटा दिया गया है वो कॉलम्स की शक्ल में पेस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रांसपोज के ऑप्शन की समझ आई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।